इंजीनियर्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनसी इंफ्रा उत्तर प्रदेश की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, आपकी डायरेक्ट भर्ती रहेगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। बाकी की जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि इनकी तरफ से जल जीवन मिशन के अंडर में थोड़े समय के अंतराल पर वैकेंसी आती रहती है। तो फिलहाल इनकी तरफ से आपकी अलग अलग पोजीशंस पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जहाँ पर डिप्लोमा बीबीटेक और एमईएमटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर रहेगा और इन सभी पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैनेजर पोस्ट पर। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 15 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है बिलिंग इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर के लिए। यहाँ पर भी आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है रेगुलर फॉर्म में और मिनिमम आपके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर के लिए। ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में। यहाँ पर भी अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है हाईवे इंजीनियर के लिए। अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र के लिए। ये वैकेंसी आपकी रहेगी स्ट्रक्चरल और हाईवे डिपार्टमेंट में, मिनिमम आपके पास 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और बेसिकली ये सभी पोस्टें आपकी कर्नाटका लोकेशन के लिए रहने वाली हैं। नोट में करके आपको बताया है कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन रोल्ड प्रोजेक्ट ओनली, यानी जिन लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ रोल्ड कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है वो लोग ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना अपडेटेड सीवी लेना है, उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको लेना है, उनको सेल्फ टेस्ट करना है और आपको पहुंच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। इंटरव्यू यहाँ पर आपका होने वाला है सिविल लाइन आगरा उत्तर प्रदेश में 16 जून और 17 जून को। अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं और आप इनकी नियरेस्ट लोकेशन में आते हैं, आप ये इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।